Hey guys, good morning. This is Rohit and you are watching So Vlog. So अभी सुबह के हो रहे हैं 11:37 और हम लोग निकल चुके हैं आज के ट्रिप में. और आज का ट्रिप जो होगा मैं आगे आपको दिखाता हूँ. एंड आज बहुत ठंड है. अभी हम लोग खाटशिला पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में. बहुत ही ज़्यादा ठंड है आज के डेट में. एंड टुडे इज 15th of January 2021 एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स. श्योर ब्रो. सो गाइस 150 का तेल डाल रहा हूँ अभी. सो आज का जो प्लान है, हम लोग जाने वाले हैं नरवा गालोटी डैम एंड रंगकली मंदिर जादूगोड़ा. आज का वेदर भी गाइस जो है बहुत ही घूमने वाला है मौसम है. ठंड तो लग ही रही है, जनवरी का ठंडा है. अभी हम लोग घाटशिला क्रॉस कर रहे हैं. एंड गाइस ये जो स्पॉट दिख रहा है ये बहुत ही एक्सीडेंट प्रोन जोन है. सो कीप आईज ऑन रोड ऑलवेज व्हाइल राइडिंग ऑन दिस रोड. सो गाइस तो अभी NH को छोड़ के अभी हम लोग गालोटी की ओर चलेंगे. विल टेक लेफ्ट. Hey guys, तो अभी हम लोग गालोडी बराज डैम पहुंच चुके हैं एंड हम लोग आते टाइम इसे कवर करेंगे. अभी हम लोग नहीं रुकेंगे यहाँ पे एंड चलेंगे अभी डायरेक्ट नरवा पहाड़ की ओर. एंड देन उधर से हम लोग चलेंगे रंगकनी मंदिर जादूगोड़ा झरिया. सो गाइस हम लोग नरवा के पिकनिक स्पॉट में अभी पहुंच चुके हैं. दोपहर के बज रहे हैं 12:30 एंड अभी भी 15th of January को भी बहुत भीड़ है. बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा भीड़ है यहाँ पे. As you can see आगे में कुछ कार्स खड़ी है. पिकनिक चल रहा है अभी एंड हम लोग पहुँच चुके हैं. अभी आइसक्रीम वगैरह यहाँ पे लगा हुआ ऑलरेडी. और मेरे साथ है मिस्टर प्रतीक एज यूजुअल एंड मेरे साथ ट्रिप में आया हुआ है. चलते हैं, आप DSLR से आपको दिखाता हूँ. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर ब्लॉग. एंड अभी मैं हूँ नरवा के पिकनिक स्पॉट पे. तो मेरे साथ है मिस्टर प्रतीक. प्रतीक कैसा लग रहा है नरवा पहाड़ में आके? बहुत मजेदार लग रहा है. सो आगे का हम लोग का ये प्लान है कि हम लोग जाएंगे नरवा ब्रिज एंड ब्रिज से हम लोग ATV राइड करेंगे एंड फिर देन हम लोग फर्दर हम लोग चलेंगे जादूगोड़ा रंगकनी मंदिर. सो एज यू कैन सी गाइस हम लोग अभी नरवा में है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रिज की ओर. एंड ये छोटा सा रास्ता है जो कि शॉर्टकट पड़ता है ब्रिज की ओर जाने के लिए. और डायरेक्ट यहाँ आप पिकनिक स्पॉट से ब्रिज पहुँच जाओगे. नरवा ब्रिज में आ चुके हैं हम लोग शॉर्टकट से. और यहाँ से जो गाइस आपको नज़ारा दिखाएंगे, हम लोग अभी जस्ट नीचे थे ब्रिज के एंड अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर
एंड ऊपर से जो व्यू है आप एंजॉय करना अभी। सो कुछ इस तरह से है नज़ारा यहाँ का। यार सो दिस इज द व्यू फ्रॉम हियर। तो जाओ, तो अभी कुछ भीड़ बहुत कम है, उतरो। एंड हम लोग जो थोड़े देर पहले जस्ट अभी इस ब्रिज के नीचे थे जस्ट, एंड हम लोग ऊपर आ चुके हैं अभी। यहाँ से दिख रहा आपको नज़ारा, एंड एटीवी जो है गाइस ये बस ब्रिज के जस्ट बगल में है। तो थोड़े देर में हम लोग अभी चलेंगे एटीवी का लुफ्त उठाने, फर्स्ट टाइम इन झारखंड, एंड फिर हम लोग एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे। सो गाइज हम लोग अभी आ चुके हैं एटीवी राइड करने, एंड जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी यहाँ कोई है नहीं फिलहाल, हम लोग वेट करेंगे थोड़ा। सो हम लोग आए थे यहाँ पे एटीवी का जो है लुफ्त उठाने, बट अनफॉर्चुनेटली कोई है नहीं। सो गाइस कुछ इस तरह से अंदर डीआर एडवेंचर जोन एटीवी अ लिटिल डर्ट नेवर हर्ट। कहाँ भाई? सो एक जो एक एटीवी जो है नजर आया अभी।
हेलो गाइस, तो राइड कंप्लीट हो चुका है एंड राइड करके रियली गाइस बहुत ही इन्जॉय मैंने करा है। आप ज़रूर यहाँ आना, नरवा के एकदम जो ब्रिज है, ब्रिज दिखाना, ब्रिज के जस्ट बगल पे है। मैं इस वक्त हूँ DR एडवेंचर जोन पे एंड जैसा कि देख रहे हो ट्रैक पूरा यहाँ से यहाँ तक सारा ट्रैक है। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये बिल्कुल ही नरवा जो ब्रिज आपको दिखता है जस्ट बगल पे है। तो कभी भी आओ ज़रूर यहाँ पे राइड करना एंड राइड इंजॉय करके ज़रूर बताना, अपने इंस्टाग्राम में हैशटैग जरूर डालना। सो गाइस इफ़ यू डोंट नो, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम इन झारखंड एंड दिस इज़ इन जादूगोड़ा, नियर जादूगोड़ा पड़ता है। नरवा जो ब्रिज है बिल्कुल इसके पास ही है ये एडवेंचर जोन। सो गाइस दिस इज़ प्रतीक एंड हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? It was really amazing for the very first time in Jharkhand. In fact, बहुत ही ज़बरदस्त था। जैसा कि मैं सोच ही रहा था कि इस टाइप का राइड कहीं हमारे झारखंड में भी देखने को मिले एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि नया जादूगोड़ा हम लोग को ये एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। एंड मैं चाहूँगा कि जो भी यहाँ नया झारखंड इनफैक्ट या फिर नया जादूगोड़ा के लोग हैं इस राइड का इन्जॉय ले पाए। ये हम स्टार्ट हुआ है आपका एक महीना जैसे हो गया है। ये भैया हमारे ऑनर का नाम है, भैया दीपक महानंद, जो यहाँ पे अपने बाहर पे रहते थे, उनको ये अच्छा लगा। ये पहले बार जमशेदपुर में पहली बार ये DR एडवेंचर जोन ऑर्गेनाइज किए उन्होंने। उनको यहाँ पे बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, नरवा है, राजदवा है, गाँव का नाम भी रोशन हुआ है। प्लस आपका यहाँ पे जितने भी सैलानी या पिकनिक स्पॉट में आते हैं वो लोग यहाँ का राइड का आनंद लेते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। और हमारा आगे और संपर्क करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत कुछ और डेवलप होने वाला है। यहाँ बच्चे लोगों के लिए मिकी माउस वगैरह प्लस गो कार्ट वगैरह भी आने वाले हैं। तो आने वाले समय में नरवा बहुत ही मतलब आगे बढ़ने वाला है। हम लोग ये डेवलप करना चाहते हैं कि भैया का ये कि भैया पहले पुणे पे जो रहते थे, भैया का मतलब एक ख्वाहिश हुआ कि यहाँ पे आके भैया वहाँ पे जब ये राइडिंग किए तो दूसरी गाड़ी था, लेकिन उतना मैं भैया को लगा नहीं। भैया का सपना बना कि यहाँ पे अपना खुद का खोले। तो भैया ने ये था कि झारखंड में भी पहली बार झारखंड में भी इस राइड का लुप्त उठा गए। ये ATV बाइक राइड है जो पहली बार यहाँ पे आ चुकी है जमशेदपुर में। यहाँ जमशेदपुर की पब्लिक यहाँ पे आके पिकनिक स्पॉट के साथ साथ लंच वगैरह बहुत सारी खेल कूद का हम लोग आयोजन किए हैं, तो आपका आनंद पूरा उठा सकते हैं यहाँ पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल दिस। सो यहाँ का कितना मतलब चार्जेस है बता? यहाँ का 3 राउंड का 200 चार्ज लगता है, प्लस हम लोग पिकनिक पैकेज भी देते हैं। बस आपको घर से आपको तैयार होकर आना है, बाकी आपको टोटल ब्रेकफास्ट लंच और गाड़ी राइड फ्री रहता है। वो 600 पर हेड लगता है। 600 इंक्लूडिंग मील? जी जी, पर हेड 600 रहता है। नॉनवेज थाली रहती है इसमें। और कितना सारा ATV अभी है यहाँ पे? ATV आपके पास, हमारे पास 5 ATV है। सो गाइज हम लोग अभी ATV राइड करके आए हैं अभी जादूगोड़ा रंकनी मंदिर। अभी दोपहर के बज रहे हैं 3, अभी गाइज ऑलरेडी 3 बज चुके हैं। यहाँ चिल्ड्रन पार्क भी खुल गया है मंदिर के सामने, चिल्ड्रन पार्क एंड यहाँ गोलगप्पा का ठेला भी लगा हुआ है। बहुत कुछ लगा हुआ ऑलरेडी यहाँ खाने पीने का। अरे एज यू कैन सी यहाँ डोसा भी आई थिंक मिल रहा है। एंड हम लोग पहुँच चुके हैं रंकनी मंदिर। ये है रंकनी मंदिर, हम लोग आगे जाके स्टॉप करेंगे कहीं एंड देन वी विल वॉक। हेलो गाइस, सो वी आर एट रंकनी मंदिर जादूगोड़ा एंड हम लोग चलेंगे आगे। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको पूजा करने का सामान मिल जाएगा।
सो गाइस एज यू कैन सी दिस इज हरि मंदिर। हरि मंदिर है ये जस्ट रंगकरी मंदिर के सामने। सो गाइस दोपहर के हो रहे 3:20 और हम लोग निकल चुके हैं जादूगोड़ा रंगकरी मंदिर से एंड अभी हम लोग जो है घाटशिला की ओर जा रहे हैं। घाटशिला पहुंचकर कुछ खाएंगे बिकॉज बहुत भूख लग रहा है हम लोग को एंड देखते हैं क्या मिलता है। अभी मकर के टाइम में तो गाइस कुछ मिल भी नहीं रहा वैसे अभी क्योंकि मकर का टाइम है ऑलरेडी एंड दुकान जो है सारा बंद है एंड यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है एज यू कैन सी एंड दिस इज द माउंटेन आई वाज टेकिंग फोटोज फ्रॉम देयर। एंड यही है रंगकरी मंदिर बहुत ही पुरानी मंदिर है। एंड बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से पहाड़ों के बीच में है। दो किलोमीटर है जादूगोड़ा एंड घाटशिला है 23 किलोमीटर यहाँ से। तो घाटशिला की जो दूरी है बस 23 किलोमीटर है यहाँ से वो तो सामने ही है। गाइस हम लोग अभी गालूडी बराज डैम में है। टाइम हो रहा है 4 बजने वाला है और अभी हम लोग घाटशिला की ओर जाएंगे। हेलो गाइस तो शाम के बज रहे हैं अभी 4:11 और अभी हम लोग हैं घाटशिला में। घाटशिला में अभी हम लोग रुक के हैं जो है कुछ खाने वाले हैं बिकॉज हम लोग कुछ खाए नहीं है अभी तक। तो लंच तो हम लोग का हुआ नहीं है कुछ यहाँ पे हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह हो जाए वही काफ़ी है। तो देखते हैं गाइज अभी आगे कुछ मिलता है कि नहीं। वैसे प्रतीक आज मिलने का चांसेस थोड़ा कम है। रतन स्वीट्स खुला हुआ है बट रतन स्वीट्स में हम लोग कुछ नहीं खाने वाले हैं। रतन स्वीट्स खुला हुआ है लेकिन हम लोग आगे देखते हैं आगे कोई फास्ट फूड का अगर दुकान खुला होगा तो वहाँ खाते हैं। सब्सक्राइब टू सो ब्लॉग। तो अभी चलते हैं हम लोग चाट ही खाते हैं। हम लोग चाट खा लेते हैं आगे क्योंकि इधर तो हम लोग को कुछ खास वैसा मिला नहीं एंड चाट खाया जाए। हे गाइस तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे चाट घाटशिला में एंड चाट खा के जो है हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए एंड आज का सफ़र जो होता है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय टेक केयर।